हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यह जो चॉकलेट केक आप देख रहे हैं, यह किस तरह से मैंने बनाया है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कप प्रीमिक्स ले लेंगे। चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है मैंने डावर्स का, ट्रोपोलाइट कंपनी का एक कप प्रीमिक्स लिया है। और एक कप प्रीमिक्स में मैंने हाफ कप वाटर डाला है और इसे 2 मिनट बीटर से मैंने फेंट लिया है। 2 मिनट आपको बीटर से फेंटना है इसे। और 2 मिनट बीटर से फेंटने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया और अब इसे 30 सेकेंड हम फेंटेंगे। और 30 सेकेंड फेंटने के बाद इसे एक ये टिन लिया है मैंने, केक टिन 6 इंच का है ये, और इसमें सिर्फ बटर पेपर लगाया है मैंने और ये बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और आपको जिसमें भी पकाना है उसे पहले आप प्री हीटिंग पर लगा देंगे। अगर गैस पे पकाना है तो गैस पे प्री हीट कर लीजिए पहले से, जो जिसमें आपको पकाना है। मैं OTG में पका रही तो मैंने OTG अपना प्री हीट कर लिया था। अब इसे बेक कर रही हूँ और 22 मिनट का टाइम मैंने सेट किया है। 22 मिनट में मेरा स्पॉन्ज बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम जब तक बेस बन रहा है जब तक हम क्रीम बना लेते हैं। तो 1 कप मैंने प्रीमिक्स लिया था तो 1 कप ही मैं क्रीम भी ले रही हूँ और इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। क्रीम आपकी हमेशा लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही होनी चाहिए तो तभी वो परफेक्ट क्रीम बनती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह आपको हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, अभी भी हमारी क्रीम अभी बनी नहीं है क्योंकि उसके जो ड्रॉप हो रहे हैं पॉइंट्स, इस तरह से अगर पॉइंट हमारे जब खड़े आए तब हमारी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट व्हिप हो गई है। तो अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये केक स्पॉन्ज हमारा बनकर रेडी हो गया। इसे मैं ठंडा होने के बाद मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है। 3 लेयर्स में इसे कट करना है। 3 लेयर्स कट करने के बाद हम केक बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, 3 लेयर्स में हमारा केक कट हो गया है। अब मैंने एक बेस लिया है, बेस पर थोड़ा सा क्रीम लगाया है। पाइपिंग बैग में क्रीम मैंने भर ली है और बेस पर क्रीम लगाने के बाद हम फर्स्ट लेयर रखेंगे और इसे नॉर्मल वाटर से मैंने सोकिंग करी है। आप आइसिंग शुगर से भी इसकी सोकिंग कर सकते हैं। और इस तरह इसकी सोकिंग करने के बाद हम इस पर क्रीम लगाएंगे। क्रीम आपको पाइपिंग बैग से ही लगानी है तभी वह परफेक्ट लगेगी। अब चॉकलेट केक है तो बिना चोको चिप्स के इसमें मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं इसमें लेयर्स में चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ। चोको चिप्स डालने के बाद हम इस पर सेकेंड लेयर रखेंगे। सेकेंड लेयर की भी मैं सोकिंग नॉर्मल वाटर से करूँगी, आप शुगर सिरप से भी कर सकते हैं। अब इस पर क्रीम लगाएंगे हम और क्रीम को पैलेट नाइफ से आपको अच्छे से फैला लेना है। क्रीम को फैलाने के बाद इस पर भी मैं चोको चिप्स डाल दूंगी थोड़े से। चोको चिप्स डालने के बाद हम केक की जो थर्ड लेयर है वह इस पर रखेंगे और इसका बटर पेपर निकाल लेंगे। थर्ड लेयर रखने के बाद इसकी भी हम सोकिंग करेंगे और आइसिंग बैग में क्रीम को भरकर पूरे केक को हम क्रीम से पहले कवर कर लेंगे, जैसा कि मैं अपने हमेशा सारे केक्स की करती हूँ फिनिशिंग में, वैसे ही इस केक की भी फिनिशिंग करूँगी। इस तरह से आपको पूरे केक पर क्रीम लगा लेनी है। क्रीम आपको पूरे केक पर कवर करना है क्रीम से ही इसे। और क्रीम लगाने के बाद अब आपको इसे पहले एक बार पैलेट नाइफ से हम इसे फैला लेंगे, बराबर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको पैलेट नाइफ से पहले सभी दूर क्रीम बराबर से लगा लेनी है। अब हम जहाँ पर क्रीम कम है वहाँ पर आपको क्रीम लगानी है। और अब हम स्क्रैपर की हेल्प से इसके साइड्स क्लियर करेंगे। स्क्रैपर से फिनिशिंग अच्छी आती है और जहाँ पर क्रीम कम लग रही है वहाँ पर हम क्रीम लगा लेंगे और फिर से स्क्रैपर हम घुमा देंगे चारों तरफ से। ये देखिए, साइड्स हमारे क्लियर हो रहे हैं। जहाँ पर क्रीम कम लग रही है वहाँ हम क्रीम और लगा देंगे और अब टॉप भी फिनिश कर लेंगे हम। देखिए, टॉप हमने फिनिश कर लिया है। अब हमारा केक बिल्कुल फिनिश हो गया है। अब मैंने ये चॉकलेट गनाश लिया है मेल्ट करके, यह चॉकलेट गनाश हम केक के ऊपर डालेंगे और इसे पैलेट नाइफ से फैला लेंगे। मैंने थोड़ा ही लिया है क्योंकि मुझे पूरा केक कवर नहीं करना है गनाश से। अगर आपको पूरा केक कवर करना है तो आप ज़्यादा गनाश लीजिए। और मुझे सिर्फ ड्रिपिंग चाहिए थी इसकी, हल्की हल्की, और ऊपर से टॉप इसका
पूरा चॉकलेट से कवर चाहिए था। अब ड्रिपिंग हमारी नीचे तक नहीं आई है तो मैं चम्मच से जो हमारा गनाश बचा है उसे चम्मच से उससे ड्रिपिंग दे रही हूँ केक में। तो इस तरह से आपको स्पून से ड्रिपिंग दे देनी है केक पे, जहाँ जहाँ ड्रिपिंग नहीं आई है नीचे तक। देखिए यह मेरे ड्रिपिंग्स हो गई है, मैंने सभी दूर ड्रिपिंग दे दी है। अब हम मेरे पास कुछ चॉकलेट गार्निशिंग पड़ी हुई है, तो इस पर मैं ये मैंने पहले से बना कर रखी हुई थी, इसे गोल्डन डस्ट डालकर इसके केक पर मैं लगाऊंगी टॉप पे। इस तरह से गोल्डन डस्ट आप इस पर डाल करके अपने मन चाहे अपने हिसाब से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। मुझे जैसा अच्छा लगा मैंने वैसा किया। अब ये कुछ कैडबरी के भी पड़े हुए थे मेरे पास गार्निशिंग, तो ये इस पर भी मैंने गोल्डन डस्ट डालकर इसे भी लगा दिया है केक पर। और यह कुछ सिगार्स मैंने बनाए थे, तो यह भी मैंने केक के टॉप बीच में रख दिया है। और एक चेरी रख दी है मैंने बीच में, और कुछ गोल्डन पर्ल्स मेरे पास पड़े थे बारीक वाले, तो मैंने वो थोड़े से वो भी इस पर डाल दिए हैं। और ये कुछ चॉकलेट की गार्निशिंग मेरे पास क्रश की हुई चॉकलेट्स पड़ी हुई थी, तो मैंने वह भी साइड्स में लगा दिए हैं ताकि और केक का लुक जो है थोड़ा सा और अच्छा है। यह डबल शेड में थी वाइट ब्लैक एंड वाइट, तो मैंने वो भी साइड्स में लगा दिए हैं इस तरह से। अब सिल्वर डस्ट मेरे पास है, तो मैं हल्का सा इस पर स्प्रिंकल किया है ताकि एक शाइनिंग केक पर आ जाए शाइन। देखिए हमारा केक का लुक कितना अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।